वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम हाजिर हैं देवरा फिल्म के डे टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के साथ, जहां पर वीडियो के अंदर बात करेंगे कि फिल्म आज के दिन कहां पर किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कहां पर फिल्म ने आज ड्रॉप दिखाया, कितना ड्रॉप दिखाया, और हिंदी वर्जन का जंप जो है आज के दिन कितना नजर आ रहा है। पर उस तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर डे वन के जो ट्रैकिंग डेटा, जो इसके बारे में हमने शाम को बात की थी, उस पर फिर से थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। वहां पर अगर आपको हो तो मैंने कहा था कि ओवरसीज का जो कलेक्शन आया है वो एस्टिमेटेड कलेक्शन है, जो कि तकरीबन 47 से 48 करोड़ के आसपास का था। तो अब जो है फाइनल डेटा आ चुका है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इंडिया ग्रॉस जो था ट्रैकिंग के हिसाब से वो था तकरीबन 106.73 करोड़ का। वहीं ओवरसीज का जो फाइनल कलेक्शन रिपोर्ट किया गया है वो है तकरीबन 43.82 करोड़ का। यानी कि ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से फिल्म देवरा ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 150.54 क्रोस का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है। आप में से काफी लोगों के डाउट्स होंगे कि यहां पर आपको मैक्सिमम जो ट्रैकिंग वेबसाइट्स हैं वहां पर जो है एपी तेलंगाना का जो कलेक्शन है वो अराउंड 70-72 क्रोस के आसपास का ही देखने को मिल रहा है, और मैंने अपने वीडियो में तकरीबन 82 क्रोस के आसपास का डेटा दिया था। तो दरअसल देखिए, ये बात मैक्सिमम लोगों को पता ही होगी कि यहां पर तेलुगु फिल्मों के लिए जो है कुछ जगहों पर कुछ फिल्मों के लिए कभी कभी जो है फिक्स हायर्स पर जो है को ले लिया जाता है। अब देखिए, देवरा एक ऐसी फिल्म है, मैं कहूंगा कि एक लंबे समय बाद एक ऐसी फिल्म आई है जहां पर किसी फिल्म के लिए इतना बड़ा जो है फिक्स हायर हमें देखने को मिला है। और आपको बता दूं, ये जो फिक्स हायर की रकम है वो तकरीबन 11.23 क्रोस की है, और यही जब ऐड हो जाता है आपके रेगुलर ट्रैकिंग डेटा के अंदर तब ओवरऑल जो फिगर है वो 82.20 क्रोस पर पहुंच जाता है। अब ये डेटा केवल पहले दिन के कलेक्शन में ही जोड़ा जाता है, अब उन सेंटर से कितना भी कलेक्शन क्यों ना आ जाए उसको जो है यहां पर फिल्म के कलेक्शन में नहीं जोड़ा जाएगा, या फिर कहें ट्रैकिंग डेटा में कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। तो वो पहले दिन ही जुड़ जाता है, और ये हमेशा से ही जो है चलता आ रहा है। अब ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये 11-11.5 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको कंसीडर करना है या नहीं करना है। तो ये तो हो गई बात फिल्म के डे वन कलेक्शन की, अब आइए बात कर लेते हैं फिल्म के डे टू कलेक्शन के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले शुरुआत करें हिंदी वर्जन से। तो हिंदी वर्जन ने अपने पहले दिन देखा जाए तो बहुत ही उम्मीदों से बेटर परफॉर्म करते हुए तकरीबन 7.95 क्रोस का नेट कलेक्शन और तकरीबन 9.3 क्रोस के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं अगर बात करें दूसरे दिन की, तो फिल्म का दूसरे दिन का परफॉर्मेंस भी जो है काफी प्रॉमिसिंग, काफी सॉलिड यहां पर नजर आया है, जहां पर तकरीबन एक 15-20% के आसपास का जंप हमें देखने को मिल रहा है। और जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से फिल्म कहीं ना कहीं दूसरे दिन हिंदी वर्जन से 9-9.5 क्रोस के आसपास का नेट कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि फिल्म के हिंदी वर्जन का जो नेट कलेक्शन है दो दिनों में ही 17 करोड़ के आसपास का हो जाएगा, और जो ट्रेंड है उस हिसाब से फिल्म वीकेंड मात्र में ही जो है यहां पर 30 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी, और उसके बाद बस एक सक्सेसफुल मंडे आना चाहिए जहां पर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि फिल्म देवरा अपने हिंदी वर्जन से या फिर कहें हिंदी बेल्ट में नॉर्थ इंडिया मार्केट में जो है एक क्लीन हिट का टैग हासिल कर लेगी। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो जहां एक तरफ हिंदी वर्जन में 15-20% का एक जंप देखने को मिला है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेलुगु वर्जन में तकरीबन 60% के आसपास का एक ड्रॉप जो है दर्ज किया गया है। ये ड्रॉप एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई बहुत शॉक या फिर सरप्राइज होने वाली बात है नहीं, बट अब डिपेंड ये करता है कि फिल्म संडे को जो है कितना अच्छा परफॉर्म करती है। अब इस ड्रॉप के साथ फिल्म जो है इंडिया में दूसरे दिन जो है 48 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब यह है कि फिल्म दो दिनों में जो है इंडिया मात्र में 155 करोड़ के ग्रॉस आंकड़े को पार कर लेगी। ओवरसीज की अगर बात करें तो ओवरसीज में शुरुआत जो है उम्मीदों के मुताबिक तो नहीं हुई है, कुछ जगहों पर जो है ड्रॉप यहां पर दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अभी जस्ट दिन की शुरुआत ही हुई है, तो अभी बहुत कुछ यहां पर कहना जो है सही नहीं होगा, पर फिर भी यहां से जो आंकड़ा हमें नजर आ रहा है उसकी अगर हम बात करें तो फिल्म कहीं ना कहीं दो दिनों में ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से 210 से लेकर 215 करोड़ के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ 220 करोड़ का आंकड़ा भी जो है टच हो जाए। वैसे आपको पर्सनली क्या लगता है, हिंदी वर्जन आज कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा? ट्रैकिंग डेटा 9-9.5 करोड़ का बता रहा है, पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का एक फिगर कल जो है रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।